हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी नाचोस की रेसिपी। इसे आप स्नैक के रूप में खा सकते हैं, जो बच्चे तो बच्चे बड़े को भी काफी पसंद आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दो प्याज लिया है, प्याज को मैंने छील लिया है। प्याज को हम रफली काट लेंगे। प्याज को मैंने काट लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिक्सी जार लेंगे और रफली कटे हुए प्याज को इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें और इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब चलिए नाचोस बनाने के लिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने जीरा को हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए प्याज को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम एक से दो मिनट तक पकाएंगे। प्याज को मैंने एक से दो मिनट तक अच्छे से पका लिया। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारा पानी है दोस्तों उबलने लगा है, तो इसमें हम एक गिलास चावल का आटा डाल देंगे। जिस गिलास से मैंने पानी डाला था उसी गिलास से मैंने एक गिलास चावल का आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, फिर से चावल का आटा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसे एक मिनट तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये जो हमारा चावल का आटा है दोस्तों हल्का ठंडा हो चुका है, तो इसको हम हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। ये देखिए, हमें आटे जैसा डो कर लेना है। ये जो हमारा चावल का आटा है दोस्तों इसको मैंने अच्छे से मसल लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल आटे के डो जैसा हो गया है। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पर चावल का आटा लेंगे, इसको हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम सूखा चावल का आटा लेंगे और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। इसे हमें ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा मोटा बेलना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। इसको हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, किनारों को हम अलग कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे और फिर से इसे हम कट करेंगे। इस तरीके से हमें कट करना है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से काट लिया है। तो अब हम इसको बीच से कट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है। चाकू पर हम थोड़ा सा चावल का आटा लगाएंगे। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से काट लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे नाचोस को अच्छे से काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर दिया है। अब हम इसमें एक एक करके नाचोस को डाल दे जाएंगे। ये देखिए, और इसे हम इस तरह से अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पर मैंने नाचोस को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे नाचोस को फ्राई कर लेंगे।
सारे नाचोस को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए, अब हम नाचोस के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काला नमक लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से ढक देंगे और इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, तो ये देखिए हमारा नाचोस बन करके तैयार हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। अब ये दोस्तों गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, वो भी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।